नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। और लगातार मोदी 3.0 शपथ, इसे लेकर हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा से जीते तोखन साहू को भी फोन आने की खबर है। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को हराकर तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा की लीड से उन्होंने देवेंद्र यादव को हराया है। और लोरमी से तोखन साहू विधायक भी रह चुके हैं। पंच से उनका करियर शुरू हुआ था, पंच से लेकर केंद्रीय मंत्री तक। खबर यह है कि उन्हें फोन आ चुका है। इधर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू सड़क पर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे हैं। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले रवनीत बिट्टू को पीएमओ से फोन आया था और इसके बाद उन्हें पीएम की चाय पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला, लेकिन रवनीत बिट्टू की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। इसके बाद वो गाड़ी से उतर कर दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे हैं। रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लुधियाना से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए। और पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा खत्म हो गई है। चाय पर चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को पीएम ने कहा कि शपथ के बाद काम में जुट जाना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। हालांकि ये सब जो पद मैंने आपको गिनाए ये पुराने हैं, अब तो नए सिरे से नाम और मंत्रालय आपको नजर आने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, जीतानाम मांझी, चिराग पासवान, हर्ष मेहरोत्रा, भागीरथ चौधरी, वो भी इस बैठक का, चाय पार्टी का हिस्सा थे, वो भी इसमें शामिल हुए। तो ये अब नाम के साथ आप देख लीजिए, अभी बिना नाम के आपने देखा था, अब नाम के साथ देख लीजिए। पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग जो नजर आ रहे हैं, लगभग इनका मंत्री बनना तय। राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल, हरदीप पुरी, राम मोहन, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव ये नाम याद रखिएगा। बड़ा जो पॉलिटिकल फेरबदल है उसकी तरफ भी इशारा मिल रहा है। जयंत चौधरी, रामदास आठवले, रवनीत सिंह बिट्टू, जिनके अभी हमने आपको खबर भी बताई थी, दौड़ते हुए पहुंचे हैं। रामदास आठवले भी शामिल हुए, बिट्टू शामिल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, जितन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, ये वो तमाम नाम है जो आपको कैबिनेट में भी नजर आने वाले हैं। तो संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक भी की। इस बैठक में 100 दिनों के रोडमैप को लेकर चर्चा की गई और पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को शपथ लेते ही काम पर जुट जाने का मंत्र दिया है। बैठक के बाद जो संभावित मंत्री हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की गई, वो क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदय पूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इलेक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे, इतने एक सूचना है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी, दोनों लोग। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का
अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। और अब मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश से 3 चेहरों को जगह मिल सकती है। शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, इसके अलावा सिंधिया और सावित्री ठाकुर, इन्हें भी फोन आ चुका है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो तोखन साहू को फोन आ चुका है और ये देखना दिलचस्प होगा, पंच से लेकर किसान, साधारण किसान, साधारण किसान के बाद पंच और पंच से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर। तोखन साहू को भी फोन आ चुका है। तकरीबन 53% वोट उन्होंने बीजेपी के लिए लेकर आए हैं बिलासपुर से। शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड जीत में उनका नाम है, सिंधिया रिकॉर्ड जीत में उनका नाम है, सावित्री ठाकुर धार से दूसरी बार और छत्तीसगढ़ को जगह। अब तक तोखन साहू को फोन आने की बात निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश से 3 चेहरे, हालांकि पुराने जो चेहरे हैं वो भी नजर आए हैं। जो चाय पार्टी हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के 5 चेहरे नजर आए हैं, शिवराज, सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, दुर्गादास उइके भी नजर आए हैं चाय पार्टी में। और मध्य प्रदेश में बंपर जीत का तोहफा अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 5 चेहरे शामिल हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पीएम की बैठक में नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक ये नजर आए हैं। इसी का भी मैंने जिक्र किया कि आज ये 5 चेहरे नजर आए हैं। ये उसी चाय पार्टी के बाद जो बैठक हुई थी उसी की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें नजर आए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, वीरेंद्र कुमार। तो इस चाय पार्टी में इन 5 चेहरों के दिखने के बाद यह माना जा रहा है कि ये लगभग तय है तो मोटा मोटी एक स्थितियां जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मौका मिल सकता है। ये चूंकि 5 चेहरे नजर आए हैं इस वजह से अब बात की जा रही है, इन सभी को लेकर की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, ये चाय पार्टी के जरिए ये कहा गया। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 5 चेहरे नजर आए हैं, क्या ये माना जाए कि अब सिर्फ ऐलान बाकी है या 7:15 बजे भी यही स्थितियां रहने वाली हैं? शैलेंद्र देखिए, बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी जो बैठक ले रहे थे आज भावी मंत्रिमंडल की, उसमें वीडियो में मध्यप्रदेश के भी 5 चेहरे सांसद नजर आए और निश्चित ही जो नाम चल रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और उसके अलावा सावित्री ठाकुर, इन तीनों को फोन की पुष्टि हुई थी। लेकिन उसके बाद बड़ा अपडेट सामने आया है कि दुर्गादास उइके जो बैतूल से सांसद हैं, 2 बार से लगातार नागपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ है बैतूल, आदिवासी चेहरा है बड़ा दुर्गादास उइके। और उसी तरह एक और जो चौंकाने वाला नाम आया है या जिसको लेकर माना जा रहा था कि वीरेन खटीक बाहर हो सकते हैं इस बार मंत्रिमंडल से, लेकिन उन पर फिर भरोसा जताया गया है, वो पिछले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, बड़ा
दलित चेहरा है एमपी की राजनीति का वीरेन खटीकुर, लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में काम करते रहे, कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं रहे, तो निश्चित ही अब एमपी से 5 चेहरों को जगह मिलने जा रही है, ये तस्वीर लगभग साफ है। और कुछ ऐसी संभावना भी अब कम नजर आ रही कि कुछ नाम इसमें जोड़े जाएंगे या कुछ नाम घटेंगे, लेकिन ये सभी बड़े जो प्रमुख 5 चेहरे हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी जब नए भावी मंत्रिमंडल को टिप्स दे रहे थे कि काम करना है, फील्ड में जाना है और अब अच्छे से अच्छा काम हमें लगातार जारी रखना है विकास का, तो उस बैठक में भी ये सभी नजर आए, तो लगभग तस्वीर साफ है कि 5 मंत्रिमंडल में आप शपथ लेंगे और इनके अधिकृत पुष्टि भी इनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता या नेता वो कर रहे हैं, इन्होंने बधाइयां भी स्वीकार करना शुरू कर दिए। तो ये लगभग कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद ये सभी मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्गादास उइके का नाम भी और वीरेंद्र कुमार, जिनका नाम ये कहा जा रहा था कि इनका नाम हट सकता है, लिस्ट से हट सकते हैं, पर वो भी इस टी पार्टी में नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सभी चेहरे नजर आए हैं, इसके अलावा ऐसा जो बड़े चेहरों में देखा जाए तो फग्गन सिंह कुलस्ते इस बार मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस बैठक में भी नजर नहीं आए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और बिहार के बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह फिर मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम आवास पर पीएम मोदी के साथ जो चाय पर चर्चा हुई, उसमें गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो काम मिलेगा वो किया जाएगा। गिरिराज सिंह को ही छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मिली थी और इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा सीट इसकी शुरुआत उन्होंने जामसावली के मंदिर से की थी। बात करते हैं गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी केंद्र में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं, अभी उन्हें चाय पर बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के बाद यहां पर पहुंचे हैं अपने आवास। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश मिला है आप लोगों को? काम करने के लिए इसके सिवा और क्या निर्देश? नहीं, सब मिलकर काम करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक बार फिर से आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, पिछली सरकार में भी आप कैबिनेट मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय आप संभाल रहे थे, इस बार आपकी प्राथमिकता कैसी होगी जो नया मंत्रालय मिलेगा उसमें? मंत्रालय न कोई छोटा होता न बड़ा होता, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। एक महत्वपूर्ण सवाल, इस बार बिहार से देखा जाए तो सहयोगी दल भी इस बार जीत करके आए हैं, सहयोगी दलों के साथ इस बार सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है, जेडीयू से 2 मंत्री हैं और बाकी जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, बाकी सारे लोग हैं, कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप लोग आगे चलेंगे? बेहतर तरीके से, जैसे बिहार में चल रहा है। आपका तो लंबा तजुर्बा है बिहार में भी, साथ साथ चल रहा है हमारा, उसे ही दिल्ली में चलेगा। इधर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का तांता लगना शुरू हो गया है। 7 देशों के प्रमुख नेता शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान होंगे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशियस प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार, भूटान के प्रधानमंत्री वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये वो मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो आज नजर आएंगे। और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने की खुशियों के बीच किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर की यज्ञशाला में 7 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ है। अनुष्ठान करने वाले महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आकाश गुरु ने बताया कि मोदी जी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। उनके अब तक के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास जैसे कार्य हुए और इस पद पर रहकर वो देश की जनता की सेवा उन्होंने की है।
और मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी से बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, तो मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश से लगभग 10 सांसदों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस को अपने दल को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी की पूरी 29 सीट जीत गई है। ऐसा 84 में हुआ था जब कांग्रेस 40 में 40 जीती। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में अगर 2-3 लोगों को देंगे तो ये मध्य प्रदेश के साथ नाइंसाफी होगी। कम से कम 10 सीट्स मध्य प्रदेश को दी जानी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश का जो विकास में केंद्र सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सब काम हो सके। देखिए, कांग्रेस तो निठल्ला हो गई है, कांग्रेस तो निकम्मी हो गई है और भगवान रूपी जनता ने उनको फिर से निकम्मा किया। तो ये सब लोग इस प्रकार की बात कहेंगे, अरे इनको अपने दल को मजबूत करने की बात सोचना चाहिए, तो वो ये करते नहीं है। और रही बात अगर इनको ऐसा लगता है तो ये सब भी भारतीय जनता पार्टी की नीति से अगर इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और हमारे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं तो आप आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, न्यू ज्वाइनिंग टोली से संपर्क कर लीजिए। और आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से कम 2 कैबिनेट मंत्री की मांग की है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसद दिए हैं, लिहाजा कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है तो छत्तीसगढ़ से कम 2 कैबिनेट मंत्री तो बनाया जाना ही चाहिए। 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की निगाह में छत्तीसगढ़ हमेशा 2वें दर्जे पर रहा है। इसके पहले कभी भी उन्होंने स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा ओहदा नहीं दिया है केंद्रीय सरकार में। अब की बात हमारी अपेक्षा थी कि यदि उनको मौका मिला है तो 2 कैबिनेट मंत्री दें, हम मांग भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने नेताओं को सम्मान दिलाए, मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अरे भाई, आप पहले अपने लोगों को अपनी पार्टी में केंद्र में सम्मान तो दिलवा लीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ा सम्मानित है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे विष्णुदेव साय हो या कोई हो। ये प्रधानमंत्री का पूर्णतः विशेषाधिकार है और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से इसमें प्रचंड बहुमत मिली है, ये बड़ी हमें भी बड़ी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को कोई खुशखबरी मिलेगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।